हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं माधुरी स्वागत करती हूँ आपके एक न्यू व्लॉग में। मैं ठीक हूँ, होप आप सब लोग भी ठीक होंगे। जय माता दी। आज मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं व्रत वाले आलू कैसे बनाती हूँ, आलू फ्राई। अगर आप चाहें तो दिन में आलू भी खा सकते हैं, तो मैं आज आलू फ्राई कर रही हूँ। और धनिया मैं इसलिए काट रही हूँ क्योंकि लास्ट में गार्निशिंग के लिए धनिया अच्छा रहता है। सिंपल से पहले आलू उबाल के रख लिए मैंने और उन्हें छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। लोहे की कढ़ाई में बना रही हूँ क्योंकि लोहे की कढ़ाई में क्रिस्पी होते हैं। ये देखिए, मिर्च मैंने काट लिया है, हरी मिर्च पड़ती है और सेंधा नमक। तो तड़के में मैंने जीरा डाल दिया है, घी ऑलरेडी डाला हुआ है। जो हमारे हैं इन्हें ब्राउन कर लूँगी, ग्रीन चिली है और सेंधा नमक डाल के जो उबले हुए आलू हैं वो डाल देंगे। और ऐसे ही हम आलू चाट भी बना सकते हैं, बट ये अभी उबले आलू हैं। और लास्ट में गार्निशिंग के लिए धनिया पत्ती डाल दूँगी। आप ये ज़रूर बताइएगा कि रेसिपी कैसी लगी और आप क्या बनाते हैं, दिन में क्या खाते हैं, रात में क्या खाते हैं, ज़रूर शेयर करना अपने डिटेल भी। लोहे की कढ़ाई में आलू बहुत क्रिस्पी होते हैं, बहुत टेस्टी होते हैं, क्योंकि वो नीचे जो क्रिस्पीनेस होता है ना खुले में पका के, उसका टेस्ट ही अलग होता है। और फिर फास्ट की तो बात ही अलग है। जय माता दी। ये आलू में खूब सारा मैंने डाल दिया धनिया और भोग की थाली रेडी। चटनी है और दही है, रायता, खीरा वाला, और माता को भोग लगा के फिर हम इसे खाएंगे। जय माता दी। हैप्पी नवरात्रि। नवरात्रि की बात ही अलग होती है, बस माता ही ऐसी जिन्होंने दिन में चिप्स, नमक सब अलाउ किया हुआ है। अदरवाइज किसी भी फास्ट में आप नमक नहीं खा सकते हो दिन में। कुछ जगह में आज भी दिन में नमक नहीं खाते, वो लोग मिठाई खाते हैं, बट दिल्ली में तो खा लेते हैं क्योंकि दिल्ली में इतने सारे चिप्स बनते हैं, आलू खाते हैं, सब कुछ। इवनिंग में सबको चाय देने के बाद अब मैं अपनी चाय ले रही हूँ और साथ में ही मैं तैयारी कर रही हूँ रात के डिनर की। सबके लिए लौकी की सब्जी बनाऊंगी, घिया की सब्जी, और हमारा बनेगा फास्ट वाला खाना, सामा के चावल और कुट्टू के पकौड़े नहीं, कुट्टू की पूड़ी, क्योंकि श्री के पापा ने नहीं खाए थे। कुट्टू के पकौड़े बनाऊँगी और पनीर की सब्जी और रायता। आज रायता नहीं, आज बस दही लेंगे, आज रायता नहीं बनाऊंगी। और साथ में ही चटनी डेली, क्योंकि चटनी से थोड़ी सी टेस्ट अच्छा हो जाता है। अब मैं प्रिपरेशन करती हूँ और सारे अभी पूजा पाठ कर रहे, तब तक मैं तैयारी कर लेती हूँ। मेथड तो मेरा सेम ही रहता है, तो आज मैं रेसिपी शेयर नहीं करूँगी कि समक चावल मैं कैसे बनाती हूँ, वो आप मेरे लास्ट वीडियो में देख लीजिएगा। और फिर कल की वीडियो में मैंने कुट्टू के पूड़ी बनाते हुए भी दिखाया था। आज लेकिन एक चीज़ स्पेशल बना रही हूँ, ये आलू मैंने काट लिए हैं छोटे छोटे पीसेस में, रात में भैया का मन था, तो जीरे का तड़का ये भी सेम मेथड से बनाऊँगी, हरी मिर्च डाल के। बट ये है उबले हुए आलू नहीं है, ये आलू चाट टाइप के बनेंगे। और सेम मेथड से ये भी बनेंगे, खूब सारा घी डाल के और आलू फ्राई करके, और इससे भी थोड़ी सी इसमें लेकिन वो डालना पड़ता है नींबू लास्ट में, बिल्कुल आलू चाट हो जाता है। अब मैं आपको दिखाती हूँ अपनी भोग की थाली। धनिया दो तरीके से काट ले, आधे की चटनी बना लेती हूँ। आज थोड़ी सी आंवला डाल के चटनी बनाती हूँ और आधा मैं डाल दूँगी आलू में। बहुत क्विकली, बहुत फास्ट करना पड़ता है क्योंकि सब लोग वेट कर रहे होते हैं। बहुत हबड़ी तबड़ी हो जाती है, कभी कभी रिकॉर्ड करना भी भूल जाती हूँ, क्योंकि खाना बनाने में इतना ध्यान लगा रहता है कि भूल जाती हूँ कि रिकॉर्डिंग भी करनी है। पापड़ चिप्स मैंने निकाल दिए साबुदाने के, और ये रेडी होगी खिचड़ी, आलू रेडी हो गए, दही रेडी है, घी निकाल के दे दिया है समाग चावल में, चटनी फिर रेडी, और ये रही मेरी भोग की थाल। आलू,
समाक चावल, दही, चटनी, कुट्टू के पकौड़े और साबूदाने के चिप्स। यह है माता रानी, अब भोग लगाएंगी। सब्जी भी रखी है ये पनीर वाली। जय माता दी। और ये लगा रहे हैं आज भोग। मैं बना रही हूँ, अब मैं बनाती हूँ और लोगों के खाना। घर में जो बाकी लोग हैं जिनका फास्ट नहीं है, पापा जी हैं, अक्की है, मम्मी जी हैं, उनके लिए मैं खाना रेडी कर भोग लगा रही, फिर हम खाएंगे। जय माता दी। प्लीज़ वीडियो देखा करो, अगर ये वाली नहीं, लास्ट वाली नहीं देखी है वो भी देखना, कुछ रेफरेंस आपको मिलेगा, कुछ हमें बताना कि आप कैसे करते हैं। सबको खिलाने के बाद अब हमारा टर्न आ गया, मैंने भी भोग लगा लिया और लास्ट में अब कान्हा जी को मैं दूध पिला के उन्हें सुला दूंगी। ये तो डेली का रूटीन है कान्हा को। नवरात्रि तो 9 दिन के होते हैं, बट कान्हा की सेवा तो अपनी जगह है। और कान्हा को दूध पिला के, उनके कपड़े चेंज करके अब उन्हें नाइट सूट पहनाऊंगी, सारे वस्त्र उनके जो दिन के वो रिमूव करके, बढ़िया सा दूध पिला के उन्हें सुला के, फिर खुद दूध पी के फिर नेक्स्ट डे की तैयारी करेंगे। देखिए बने रहिए। लास्ट में मंदिर की सफाई करके कान्हा के बेड लगा के अब हम उन्हें सुला देंगे। रात में सफाई करने से थोड़ी सी इजी रह जाता है, मॉर्निंग के लिए ज़्यादा साफ सफाई नहीं करनी पड़ती है। ये देखो कान्हा का बेड, छोटा सा बेड। हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। हैप्पी 4th नवरात्रि, चौथे नवरात्रि की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आप सबकी इच्छाएं पूरी करे। और आज कूष्मांडा माता का दिन है, आज मैं पूजा नहीं कर पाऊंगी किसी रीज़न से, तो पूजा जो कर रही है वो दीदी कर रही है। मैं रिकॉर्डिंग करके आपसे शेयर करती हूँ कैसे उन्होंने पूजा करी है, और मेरा जो मैं जैसे पूजा करती हूँ, मेरे मेथड से, मैं जिस विधि से करती हूँ, उसके लिए आप लास्ट जो व्लॉग है मेरा 2 दिन का या 3 दिन का, मैंने प्रॉपर शेयर करी, आप उसे ज़रूर देखिएगा। और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिए, मैं बार बार बोलती हूँ प्लीज़ शेयर करना, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। जय माता दी।